This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम PSX हॉटलाइन में खुश आमदीद, मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर तरफ रेड नंबर्स नज़र आए। अगर आज आप दुनिया भर की मार्केट देखें तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस नज़र आती रहीं। मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर देखा गया, रेड नंबर्स देखे गए, इन्वेस्टर्स के दरमियान कॉन्फिडेंस का, एतमाद का फुकदान नज़र आया। कमोडिटीज़ ने भी इस पर इम्पैक्ट डाला, क्रूड में सेलिंग प्रेशर नज़र आया, गोल्ड में पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र आई। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यूरोप की मार्केट्स ने देखा, यूरोप में नज़र आया। ब्रिटिश पाउंड ने भी इफ़ेक्ट लिया और वो भी नेगेटिव ट्रेड होता हुआ नज़र आया। जहाँ तक चाइना की करेंसी का ताल्लुक है, उसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी। ये सारी की सारी एक्टिविटी हुई उस खबर के नतीजे में जो आज मार्केट में थी, कल के रेफरेंडम की सूरत में जो कि यूके में हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि यूके को क्या यूरोपियन यूनियन में स्टे करना चाहिए या नहीं। यूके की आवाम ने जवाब दिया नहीं। इसका असर दुनिया के तमाम मार्केट्स ने लिया और उसके रिएक्शन हमें देखने में आया। आगे आने वाले दिन में देखते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह से चलता है। सबसे पहले आज की मार्केट के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आदाद व शुमार देखते हैं। 100 इंडेक्स 848 पॉइंट माइनस करने के बाद 37,390 पे क्लोज हुआ। 30 इंडेक्स 588 पॉइंट क्लोज करने के बाद, माइनस करने के बाद 21,347 पे क्लोज हुआ। ऑल शेयर्स ने 491 नंबर शेड किए, नंबर लूज किए और 24,947 पे क्लोज हुआ। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है, ऑल शेयर्स में 236 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स में कल के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिविटी थी और 154 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। 30 इंडेक्स में 111 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। टोटल 329 कंपनीज के शेयर्स में आज कारोबार हुआ, जिसमें से 43 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ और सिग्निफिकेंट इज के 265 कंपनीज ने आज नेगेटिव जोन देखा, आज अपने शेयर्स की कीमत लूज़ की और 21 कंपनियां ऐसी थीं कि जिनके शेयर्स की प्राइस अनचेंज रही और अपनी जगह पर मुस्तहकम रही। वॉल्यूम के लिहाज से के इलेक्ट्रिक आज फिर वाजे तौर पे वॉल्यूम लीडर रहा। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम ने भी वॉल्यूम को लीड किया। उसके बाद दीवान सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइज़र और TRG पाकिस्तान वॉल्यूम लीडर्स में शामिल थे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक पे जाना है, प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर इमरान खलील। ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्लोट सिक्योरिटीज़। वेलकम इमरान साहब। थैंक यू फहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इमरान साहब, आपने आज की मार्केट देखी और साथ आज की खबरें देखी, ये क्या दो रास्ते फिल्म शुरू हो गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? फ़हीम, पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रीकैप हम करें कि आज हुआ क्या। आज की मार्केट ने एक रोलर कोस्टर राइड से स्टार्ट लिया। सुबह में जब लोगों को ख़बर मिली कि एक अनएक्सपेक्टेडली यूके के वोटर्स लीव कैंपेन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं थोड़ा सा वर्ड अनएक्सपेक्टेड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली एक जनरल कॉन्सेंसस ये था कि जब एंड वोटिंग होगी तो यूके वुड स्टिल रिमेन पार्ट ऑफ EU, बट हो सकता है वो मार्जिन बहुत कम हो। बट आज हमने जो देखा वो उसके बरक्स देखा कि 52% लोगों ने रफली वोट करा टू लीव एंड 48 ने टू रिमेन। उसकी पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बट जब हमारी मार्केट खुली तो सारी ग्लोबल मार्केट्स जो जो उस वक्त खुल चुकी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान 7 से 8% डाउन था, यूके की करेंसी के फ्यूचर्स 8% डाउन थे, ऑल ग्लोबल मार्केट्स वर इन रेड। उसकी बज़ाहिर मेन वजह ये थी कि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, या शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उनको इसकी इम्प्लिकेशंस का ख्याल नहीं था, एंड स्पेशली फॉर अस। और आप, मैं आपकी बात से जो समझूं वो ये कि हमारा जो इन्वेस्टर नॉर्मली बड़ा, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, उसके सेंटिमेंट्स बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े जो है फ्रजाइल होते हैं,
वो सिर्फ रिजल्ट्स को ना समझते हुए, इम्प्लीकेशंस को ना समझते हुए दबाव का शिकार हुआ? देखिए, आपको इसको दो सेक्शंस में डाइसेक्ट करना पड़ेगा. पहला तो ये कि इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस में इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इम्पैक्टेड होता है, कि पाकिस्तान से कितने लोग वहाँ पर जा सकेंगे. लेकिन उससे पहले, इसकी डिटेल पे बात करने से पहले, मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स ये ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि ये जो डिसीजन है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. जी जी, इसकी टाइमलाइंस को जी, ये एक व्यू तो ये है कि ये 1 से 2 साल इसको लगेंगे इम्प्लीमेंट करने में. और उसकी जो एक उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी आज $350 बिलियन की प्लेज कर दी है कि दे वुड इंश्योर कि ये मार्केट में फ्लक्चुएशंस ना हो. तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ग्लोबली पैनिक कर रहे हैं कि क्या होता है, और उसको पैनिक करने की वजह ये है कि पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड. एक चीज़ और भी है, ये एक रेफरेंडम है. रेफरेंडम इंटरनल होता है. इंटरनल रेफरेंडम को इम्प्लीमेंट करने का कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. उसे लोग जो है बैकआउट भी कर सकते हैं. उसे ब्रिटिश एक यू टर्न भी ले सकता है कि राइट, हम EU में रहना चाहते हैं कुछ अर्से के बाद. क्या समझते हैं आप, कि डिसीजन रिवर्ट हो सकते हैं? देखिए, मैं क्योंकि उस कंट्री में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने उधर गुजारा है. आई डोंट थिंक दे वुड बैक आउट. इफ़ द पीपल डिसाइड, देन दिस इज़ द वे दे डिसाइड. द ओनली थिंग इज कि लोग उसकी इम्प्लीकेशंस जिस तरह समझ रहे हैं, शायद उस तरह ना हो. और मैं चाहूँगा उस पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों का ख्याल है कि फाइनेंशियल मार्केट्स पैनिक कर रही हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगी, उनकी करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी. ये तो एक व्यू आज मार्केट ने देखा. बट जो मेजर्स बैंक ऑफ इंग्लैंड अनाउंस कर रहा है, उससे बज़ाहिर लगता ये है कि वो फ्लक्चुएशन मार्केट में शायद ना रहे, या ये बहुत शॉर्ट टर्म हो फ्लक्चुएशन. दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, इमिग्रेशन पे बात करते हैं. इमिग्रेशन पे उनका ख्याल है कि जो दुनिया से लोग जाते हैं, ख़ासतौर पे ईस्टर्न यूरोप से जो लोग जाते हैं यूके में, वो ज़रूर जाएं, बट एक कंट्रोल्ड मैनर में जाएं. तो उसका भी कोई बज़ाहिर ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज अभी उनको प्रॉब्लम ये है कि वो जो इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स हो रहा है, उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं. आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी डेमोग्राफी जो है, जो इंग्लैंड की, चेंज होने लगी है इस डिसीजन के साथ में, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ टू अर्ली टू सजेस्ट कि व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट. और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के लिए शायद ज़्यादा बेहतर हों. मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की बात करूँ. पाकिस्तान पे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? पहली तो ये कि पाकिस्तान की कुछ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं जो यूके में जाती हैं. फॉर एग्जांपल, मेजर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की यूके में टेक्सटाइल हैं. अबाउट 7-1% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान यूके को करता है. और एक व्यू लोगों का ये है कि शायद वो हैम्पर हों, बिकॉज GSP प्लस स्टेटस रिवोक होने की वजह से जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उधर हैं, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा. और उसका हमने इम्पैक्ट आज अपनी टेक्सटाइल कंपनीज पर देखा. सवाल उससे पैदा ये होता है कि क्या ये इम्पैक्ट 100% पड़ेगा, या ये वापस से रीनेगोशिएट किसी और फॉर्म में कर लिया जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ येट टू सी इन द कमिंग डेज. अगर यूके टोटल आउट होता है, तो उसके साथ में यूरोप ऑलरेडी दबाव का शिकार रहा है. यूरोप को अगर आप देखते हैं, उसके मसले मसाइल चलते रहे. ग्रीस वाला चलता रहा है. वो 3-4-5 कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ में लिंक थे. आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि एज ए होल ये दुनिया को एक और मुश्किल की तरफ लेके नहीं जाएगा? देखिए, ये तो हर एक का सॉवरन राइट है टू अंडरस्टैंड या टू डिसाइड कि उनको किस के साथ अपना ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना है. एंड इसकी बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी. हम दोनों तरफ आर्ग्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्ड, क्योंकि डिसीजंस कोई कंट्री उस कंट्री में नहीं ले पाता, वो डिसीजंस ब्रसल से आ रहे होते हैं. तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल. लेकिन पाकिस्तान के लिए जो लोग पैनिक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी, कोई तकरीबन 4-4.5% क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी. तो उससे हमारी बज़ाहिर पेट्रोलियम कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस ज़रूर गिरी. इन टोटलिटी हमें फ़ायदा हुआ, बट उसका तो फ़ायदा हमें टोटली आएगा. दिस इज़ माय पॉइंट कि आपकी इकोनॉमी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है. अगर 4.5% प्राइस गिर जाती है, तो आपका इम्पोर्ट बिल गिरेगा. आपकी इकोनॉमी शुड डू बेटर. एंड दोज एक्स्ट्रा फंड्स, द पॉइंट इज़ कि हाउ डू यू यूज़ दोज एक्स्ट्रा फंड्स.
क्या आप उस उनको आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक दो पॉइंट्स में और चाहूँगा कि हम ज़रूर बात करें. एक तो हमारे लोगों का ये ख्याल है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हमारे इंस्टीट्यूशन पे कोई इसका इम्पैक्ट आएगा. बज़ाहिर हमारे कोई ऐसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स नहीं हैं यूके के साथ जिसमें जो कि फॉर एग्जांपल बिटवीन ईयू एंड यूके हैं. फॉर एग्जांपल एक बैंक होना, सेंट्रल बैंक होना, तो उससे इम्पैक्ट नज़र आ सकता है या कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स के डिसीजंस के वो क्या लंदन में बेच रहेंगे या वो कहीं और ईयू में मूव होंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक दो एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ स्विट्ज़रलैंड की, मैं आपको एग्ज़ाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की देना चाहता हूँ. जो स्विट्ज़रलैंड बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है जो कि पार्ट ऑफ ईयू नहीं है, और वो इसका ये मतलब नहीं है कि यू कैन स्टिल नॉट बेनिफिट आउट ऑफ द सेम थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा. दोनों तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, बोथ साइड्स हैं. अब किस तरह से इसका फ़ायदा यूके उठाता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, जिस तरह से आपने बताया. जी प्लीज़ आप जी. मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि लोग हमारी मार्केट शायद आज थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गए, क्योंकि बज़ाहिर हमारा इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आ सकता है. और एक और भी व्यू ये है लोगों का कि शायद शॉर्ट टर्म में कुछ ग्लोबल फंड्स की थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाए. लेकिन मैं ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि जो कंपनीज़ ईयू में ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी, दे वुड ऑल्सो नाउ बी लुकिंग एट इमर्जिंग मार्केट्स, कि हम अपनी हम कौन सी वही पैसा हम इमर्जिंग मार्केट्स में लेके जाएं तो हमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. आई थिंक MSCI में हमारा जाना बहुत छोटी परसेंटेज से हम गए थे, नाउ वी कुड बार्गेन टू गेट अ मच बिगर शेयर ऑफ द ऑफ द ओवरऑल पाए. आपकी बात को सपोर्ट करते हुए अगर हम आज की मार्केट को देखें तो कोई इतनी परेशानी हमें नज़र नहीं आती. वॉल्यूम्स सेलिंग तो थी लेकिन वॉल्यूम्स कोई इतने ज़्यादा नहीं थे कि जो पैनिक को दिखाई दें. और दूसरी बात ये थी कि इंडेक्स में क्योंकि हमारा हैवी है ऑयल के स्टॉक्स की वजह से, तो वो चार पाँच बड़े ऑयल स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स को खासा नीचे लाने का सबब बने, और जिनकी वजह से जो लोग अपने नर्व्स पर कंट्रोल नहीं रख सके वो ज़्यादा नुकसान का या वो ज़्यादा इफेक्ट हुए नेगेटिव नंबर की वजह से. देखिए फहीम, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा, मैं बल्कि आपसे एक और सवाल करूंगा कि क्या इन्वेस्टर्स शुड क्वेश्चन कि क्या इस डिसीजन से अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हैं तो क्या फर्टिलाइजर के स्टॉक्स को इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. सीमेंट को नहीं पड़ेगा, क्या सीमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा? आई थिंक ये सेंटिमेंटल डिसीजन ज़रूर हो सकता है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि हमारे अपने कंट्री में क्या ग्रोथ होती है. ये इमरान एक चीज़ है, टोटल क्रूड का इम्पैक्ट हमारे पास आता है. क्रूड का इम्पैक्ट जिस तरह से आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, इम्पोर्ट बिल हमारा हमें बेहतरी देगा. लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि क्रूड ने वापस रिबाउंड करना है. आज भी आपने देखा क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी जिस वक्त हम इस प्रोग्राम के लिए आए, तो अल्टीमेटली क्रूड ने किसी भी सिनेरियो में एक ख़ास लेवल पर स्टेबल रहना है, तो उसका भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर नहीं आना चाहिए. क्या समझते हैं आप? आई टोटली अग्री. आई थिंक इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज कोई भी चीज़ वहीं यहाँ पे इन लेवल्स पे ऑयल ख़ास तौर पे सस्टेनेबल नहीं है. ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ अर्सा इन लेवल्स पे ट्रेड करता रहे, बट क्या ये इन्हीं लेवल्स पे रहेगा? आई थिंक दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर अस. दोबारा सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाएगी, ओपेक वाली चीज़ें आ जाती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरेस्ट आ जाते हैं क्रूड की प्राइस को. ये सारे इवेंट्स ख़ास तौर पे जो आज वाला इवेंट था उस पे डिफाइन करना मेरे ख्याल में जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. और मैं इसमें दो तीन पॉइंट्स और ऐड करूंगा फहीम, कि हमारी मार्केट में क्या पॉजिटिव्स अवेलेबल हैं. आज के जो मल्टीपल्स हैं हमारे, वी आर ऑपरेटिंग किसी किसी सेक्टर्स में तो 6 से 7 के मल्टीपल्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अगर आप ओवरऑल मल्टीपल भी लेते हैं तो अबाउट 8.5-9 के मल्टीपल्स पे हैं. आज एक वक्त में 1400 पॉइंट मार्केट गिर गई थी, सो आई थिंक दैट इज़ अ पैनिक जो लोगों ने देखा. एंड आई थिंक उसके बाद में आखिरी घंटे में जो बाइंग हुई उसने सिचुएशन खासी अच्छी कर दी. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक कि पीपल शुड सी बियॉन्ड दैट, पीपल शुड नॉट सी जस्ट द सेंटिमेंट्स, पीपल शुड सी कि हमारी कंपनीज में कितनी ग्रोथ है, पीपल शुड सी कि हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि डबल डिजिट में है, उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन कंपनीज ने उनको मीट करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट
बींग अ यंग पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50% बिलो 29 बिलो द एज ऑफ 29 आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑफर और दुनिया हमारी पॉपुलेशन को देख रही है एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ टुडेज डिसीजन शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर ये ट्रिगर्स आ सकते हैं बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो भी खासा सियाना है खासा कलमंद है वो भी मुख्तलिफ मार्केट देख रहा होता है वो भी हमारी हमारी मार्केट के पोटेंशियल को देख रहा है तो अल्टीमेटली उसको भी इंटरेस्ट नज़र आता है कि राइट ये फर्टाइल है इससे वो बहुत सारी चीज़ें रीप कर सकता है उसमें अगर पैसा लगाता है तो मैं सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा मार्केट हमारी मल्टीपल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं ख़ास तौर पे अगर आप उसको इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें आप अपनी नेबरिंग मार्केट से कंपेयर करें मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स के लिए एक दो मैं पॉइंट्स इसमें ऐड करूँ आप एम एस सी आई में हम जाने के बाद अबाउट 9 के मल्टीपल पे ऑपरेट कर रहे थे हमारे जो क्लोजेस्ट रीजनल पार्टनर्स हैं वो तकरीबन कोई 14 के मल्टीपल पे अगर आप इंडिया और बाकियों की एग्जांपल लेते हैं तो आप अबाउट 18-22% बहुत सारे फिलिपाइंस इंडिया इज ऑपरेटिंग ऑन दोज हमारी मार्केट खासी सस्ती है तो हमारी मार्केट बहुत सस्ती है हमारी मार्केट में यील्ड्स आज भी बहुत अट्रैक्टिव हैं ओवर 8% यील्ड्स हैं मैं 3-4 पॉइंट्स रेज करूंगा जो कंसर्न के हैं जो मैं चाहूंगा कि हमारे रेगुलेटर्स और हमारी एक्सचेंज और हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसको एड्रेस करें पहला तो ये कि एक हमारी अच्छी परफॉर्मिंग मार्केट में हम एक ऐसे टाइम पे एक बजट के जो रिफॉर्म्स लाए उसमें से बज़ाहिर हमारी मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए या मार्केट को मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर लाने के लिए कोई भी ऐसा वो एलिमेंट हम नहीं लेके आए उस बजट में बल्कि उसके बरक्स हमने ये किया कि जो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सेक्टर है क्या वो स्टेप्स हो सकते थे जिनको गवर्नमेंट को लाना चाहिए था मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहला तो ये कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन इनफैक्ट हमने क्या किया कि हम उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने बढ़ा दिया हमने अपना जो एडवांस टैक्स का रेट था उसको डबल कर दिया इनफैक्ट 100% राइज कर दिया गवर्नमेंट ये आर्ग्यू करती है कि वो आपको रिफंडेबल है मिल जाएगा ब्रोकर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जी करने के अलावा तो कोई गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट भी तो चलानी है आपके सामने सारी चीज़ें फहीम मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि डिसएग्रीमेंट टैक्स कलेक्शन पे नहीं है डिसएग्रीमेंट मोडालिटीज़ पे है इज दिस द राइट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स नॉट एट ऑल बिल्कुल सही कह रहे हैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल एक ऐसा सेक्टर जो टोटली 100% डॉक्यूमेंटेड है जिधर आप अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपको 17 साइन करवाने पड़ते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ आपको वेरीफाई करती हैं बैंक मैनेजर वेरीफाई करता है नादरा वेरीफाई करती है NCCPL वेरीफाई करता है CDC वेरीफाई करती है एक्सचेंज वेरीफाई करता है व्यूअर का कहना था आपकी बात मैं काट रहा हूँ एक व्यूअर का कहना था कि हर दूसरे स्टेज पर एक स्टॉक वाला जो इन्वेस्ट कर रहा होता है टैक्स दे रहा होता है कंपनी की जब बैलेंस शीट बन रही है उसमें भी जो है हर क्वार्टर में टैक्स कट रहा है उसके बाद विदहोल्डिंग दे रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं इतने सारे टैक्स हैं इस मार्केट में काम करने के बाद सही आपने कहा तो मेरी एंटिसिपेशन बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर तो ये थी कि शायद हमें कुछ इस बजट में रिलीफ नज़र आएगा इन द सेंस कि बीइंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सेक्टर्स the budget the upcoming budget would support us in the sense ke is in rates ko niche laya jayega iski collection ko aasan banaya jayega iski jo double taxation hai usko hataya jayega but humne wo kuch bhi nahi dekha unfortunately hamare jo proposals the wo sare ignore kare gaye and I say unfortunately because agar hame bitha ke hame consult kara jata to we would have given them better proposals on how to collect tax ek aur jo policy ko main zarur mention karna chahta hu wo ye hai ki hamari jo policy को हम ट्वीट करते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आपकी टैक्स कलेक्शन पॉलिसी कहती है कि आपको 4 साल के लिए कोई टैक्स नहीं पड़ता आप एक इन्वेस्टर को लेके आते हैं जो 4 साल आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और आप 4th साल के आखिर में कहते हैं कि जी ये पॉलिसी को हम चेंज करते हैं और अब आइंदा से ये 5 साल की पॉलिसी होगी तो जो मैसेज हम देते हैं अपने चाहे देखें आप चाहे टैक्स के नए मैकेनिज्म्स लगा दें लेकिन माय रिक्वेस्ट टू ऑल द रेगुलेटर्स एंड ऑल द अथॉरिटीज़ वुड बी एंड आल्सो आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री वुड बी कि आप पॉलिसीज़ को अपने कंसिस्टेंट रखें बिकॉज जो उससे जो आप मैसेज भेजते हैं भाई एक इन्वेस्टर को वो ये भेजते हैं कि जी हम अपनी पॉलिसीज़ को ट्वीक करते रहते हैं या हम आज 4 साल लगा रहे हैं कल 5 साल कर देंगे उसके बाद 6 साल कर देंगे तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो एक सिर्फ बाहर का ही नहीं बट एक हमारा लोकल इन्वेस्टर भी जब मार्केट में आए तो वो ये देखे कि हमारी पॉलिसीज़ बड़ी कंसिस्टेंट हैं और इमरान आपने लॉन्ग टर्म की बात की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वो तो ठीक है लेकिन एक मार्केट की खूबसूरती डे ट्रेडर्स और जॉबर्स में भी होती है हमारे पास ये लोग
कम होते चले जा रहे हैं, नहीं मिलते हैं, किस तरह से हम ला सकते हैं डे ट्रेडर्स को, जॉबर्स को? फहीम, पहली तो बात ये कि हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन आई कम बैक टू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज दैट पुट्स पीपल अवे फ्रॉम कमिंग टू द मार्केट। आज हमारी मार्केट में अगर कोई गलती से अकाउंट खुलवा लेता है तो उसके रूल्स उसको इतने ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, बींग अ स्टॉक ब्रोकर आपको इतने फॉलो करने पड़ते हैं कि वो आप उससे इतने साइंस करवाते हैं, इतनी कन्फर्मेशन लेते हैं कि वो घबरा जाता है एट टाइम्स। तो हो क्या रहा है कि इसके पैरेलल जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल लैंड और बहुत सारी और, उसमें पीपल बड़े कंफर्टेबली जाते हैं। उसमें हमने गवर्नमेंट के ज़रूर मेजर्स देखे हैं कि उसमें उसकी वैल्यूएशंस को असेस करने के लिए बजटरी हमने वो देखे प्रपोजल्स के, उसमें एक कमिश्नर उसको असेस करेगा या उसको ऑप्शन होगी कि उसको क्वेश्चन कर सके। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपने सारे रेगुलेटर से, अपनी सारी अथॉरिटी से, अपनी एक्सचेंज से ये सवाल करता हूँ, अपने ब्रोकर्स कॉलीग से भी करता हूँ कि क्या आप लोगों ने मेजर्स सब ने लिए हैं, क्या हमने क्या मेजर्स लिए हैं इस मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड अगर हम सारा वक्त पेपर वर्क में लगे रहेंगे, अगर हम सारा वक्त पेपर वर्क फुलफिल करते रहेंगे, तो एज अ नेशन हाउ वुड वी अट्रैक्ट आर इन्वेस्टर्स? जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, वो हमारे एफर्ट्स सिर्फ पेपर वर्क फुलफिल करने में लग रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम वेयर वी नीड टू सेट एंड रीविजिट द स्ट्रैटेजी कि हाउ कैन वी ब्रिंग पीपल, बिकॉज आज भी 200,000 से कम एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं हमारी मार्केट में, और ये दिस शुड बी रिंगिंग अलार्म बेल्स, बिकॉज एज अ नेशन, एज अ ह्यूज डेवलपिंग नेशन, बेस हमारी जो बेस है नैरो है, बेस को हम ब्रॉडन करने में नाकाम रहे हैं। आई एम सॉरी टू से ये, लेकिन फैक्ट है, हकीकत है। तो इस देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के बहुत आपको पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन हमें चीज़ों को उसके साथ साथ बेहतर की तरफ जाना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, हमें इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार को आसान बनाना है कि एक आदमी या एक शख्स अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो स्कूल लेवल से कर सके, वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आसान हो बल्कि मैकेनिज्म भी इतना सिक्योर हो कि वो अपने पैसे को मार्केट में रखने के बाद इत्मीनान से रात को सोए। इस पे तो देखें, मैं ये कमेंट करूंगा कि मैकेनिज्म ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक ये जो लोगों की परसेप्शन है कि ये मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई एम अ विटनेस टू दैट कि जितनी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफ़िल करते हैं टू इंश्योर कि वो लोगों के पैसे प्रोटेक्टेड रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ स्टॉक ब्रोकर यू कैन नॉट यूज़ दोज फंड्स, यू हैव टू इंश्योर कि वो फंड्स एक सेपरेट अकाउंट में पड़े। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस लूज़ किया 2008 में, वो आज तक के दोबारा नहीं आ सका, रीबिल्ड नहीं हो सका, क्या वजह है उसकी? आई एग्री, 2008 की लर्निंग्स हैं जो हमें ऑन बोर्ड लेनी है, बट आई थिंक हम कितनी तेज़ी से वो लर्निंग्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें तो कस्टडी टाइप के रूल्स तो हम ऑलरेडी ऑन बोर्ड ले चुके हैं, आज जो कस्टडी मैकेनिज़म्स यहाँ पे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। आज जो एज अ इन्वेस्टर आपको ये ज़रूर वो पीस ऑफ माइंड है कि आपके एसेट्स प्रोटेक्टेड हैं, कोई आपकी इजाज़त के बगैर वो एसेट्स को मूव नहीं कर सकता। आज ऐसे मैकेनिज्म्स मार्केट में हैं कि आपको वो एसेट्स स्टॉक ब्रोकर के पास रखना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपनी डायरेक्ट सेटलमेंट करवा सकते हैं। सो मैकेनिज्म वो बहुत सारे हैं, बट माय रिक्वेस्ट वुड बी कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में इन्वॉल्व करके अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाएँ, और हम कंपेटिटिवली बाकी कंट्री से अपने आप को कंपेयर करें कि वेयर डू वी स्टैंड। वी शुड गिव आर इन्वेस्टर्स, नॉट ओनली ओवरसीज इन्वेस्टर्स, मैं बल्कि इससे कोई डिसएग्री करता हूँ, मेरे ख्याल में आप अगर अपने लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करेंगे तो बाहर वाला खुद आएगा। एग्जैक्टली, सो हम आजकल क्योंकि एक ग्लोबल विलेज में ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इन यूके हैज़ एन इफेक्ट इन ऑन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स, एटलीस्ट सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर है। तो हमें अपने ये इंश्योर करना है कि हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं, बट उसके साथ साथ हम मेरी ये भी ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो टैक्स बर्डन है उसको कम करा जाए ताकि हम वो अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर सकें। मैं अगर आप देखें मार्केट की पूरी डायनेमिक्स पिछले चंद सालों में चेंज हुई है, पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आ गए हैं, आपकी अपनी एग्जाम्पल है, आपने बाहर से पढ़ा, पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ पर स्टॉक के काम में काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं हमारी मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है परसिस्टेंटली? देखिए, मार्केट में अगेन पोटेंशियल बहुत है, मार्केट बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रही है, बट मार्केट में उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स भी हैं जो मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, और वो नंबर्स एक और दो में नहीं है, वो नंबर्स मल्टीपल डिजिट्स में है। स्टॉक ब्रोकर्स आज अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं जो कि पहले एक वक्त में फ्लरिश करा करते थे, आज उनके कार्ड की वैल्यू
ऑलमोस्ट नल हो गई है, जो कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बाय कार्ड आई मीन द TREC राइट्स। सो मेरा मेरा एक एक तो परसेप्शन ये है कि आपकी मार्केट अगर बढ़ रही है तो मार्केट के सारे सेक्टर्स फ्लरिश कर रहे हैं, एंड दैट माइट नॉट नेसेसरली बी ट्रू। उसकी वजह, और यही हमने फाइनेंस बिल में भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ख्याल था कि शायद मार्केट अगर बढ़ रही है तो शायद उस पर टैक्स लगा दिया जाए। आप ज़रूर टैक्स लगाएं, लेकिन अगर आप ऐसे सेक्टर्स को टैक्स करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकर्स की आपने बात की, स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में हमारे मुख्तलिफ लोगों की परसेप्शन ये है कि हमारी मार्केट में सिर्फ चंद लोग हैं जिनका रूल है और जिनका रोल चलता है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं कहूँगा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बट उसके लिए हमने क्या किया है, क्या हम ऐसे मेजर्स लाएँ टू इंश्योर कि आज एक आम बंदा भी वो स्टॉक ब्रोकर बन सके। मैं आपको एग्जांपल इंडिया की देता हूँ। इंडिया में टू बी अ स्टॉक ब्रोकर यू डोंट नीड टू बी अ कंपनी, यू कैन बी अ सिंगल मेंबर स्टॉक ब्रोकर या सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि एक बड़े रिलैक्स्ड रेजीम के थ्रू फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल कर सकता है। हमारे पास तो स्टॉक के नाम भी स्टॉक ब्रोकर के साथ चलते होते हैं, फलाना स्टॉक फलाने का है, होता है ना इस तरह से, लोग बताते होते हैं फलानी फलानी कंपनी का स्टॉक वो तो फलाने का माल है, फलाने के पास पड़ा हुआ है। इसी वजह से फहीम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मार्केट की विड्थ को बढ़ाएं, हम मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को लेके आएं, ताकि चंद लोगों का मार्केट में कंट्रोल ना रहे, मार्केट ट्रांसपेरेंट रहे, एक आम बंदा उसमें इन्वेस्ट कर सके और पीस ऑफ माइंड की सो सके कि ये अगर मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करा है तो ये एक चंद लोग कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इसका एक फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल है जो कि बड़ा वाइडली लोग उसको होल्ड करते हैं, इवन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी उसको होल्ड करते हैं। तो आई वुड से कि ये सारे मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी मार्केट में, ज़रूरत इस बात की है कि नए इन्वेस्टर्स को लाया जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए और ब्रोकर रेजीम को रिव्यू करा जाए। बिकॉज अगर आप इसी तरह इन्फोर्स करेंगे चीज़ों को तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि पीपल वुड क्लोज डाउन एंड यू वुड बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू हाउसेज हु वुड बी ऑपरेटिंग। सो कमिंग बैक ऑन टू टूडेज एक्टिविटी, वॉट आई वुड से इज़ कि इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए आगे कि आगे उनके लिए कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं और ज़रूर रेज करूँगा जो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फेस्ड होता है। इनफैक्ट हमारी अपनी भी एग्जांपल ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने अब ये रूल निकाला है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर्स की पॉलिसी है उसको उसकी लिस्ट रिव्यू होती रहती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस बात को हाईलाइट करूं, बिकॉज शायद जब ये निकाला गया था तो इसका पर्पस ये था कि इसके बर्डन उन लोगों पे पड़े जो टैक्स नेट में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको मिसयूज़ करा जा रहा है और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि किसी हफ्ते आपका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है, किसी हफ्ते डाल दिया जाता है। अगर आपको कोई डिविडेंड आने वाला है और आपका नाम निकल गया है, बीइंग अ पेंशनर, बीइंग अ रिटायर्ड पर्सन, बीइंग अ एक्टिव फाइलर हु हैज़ ऑलवेज थ्रू आउट हिज लाइफ फाइल्ड हिज रिटर्न्स, अगर आपका नाम निकाल दिया जाए तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके उसमें आपका रेवेन्यू में काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि ये जो हम फ्रीक्वेंट फिडलिंग विद द एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ को होल्ड करते अकाउंटेबल कि जी आप अगर एक बंदा टैक्स पेयर है तो उसका नाम हम इंश्योर करें कि उस लिस्ट में रहे, उस लिस्ट में शामिल रहे, उससे वीकली बेसिस पे ना निकाला जाए। बीइंग अ कंपनी, मेरी कंपनी का नाम, इमरान आपने तो बाहर देखा है कि टैक्स पेयर की प्राइड ही कुछ मुख्तलिफ होती है, जो टैक्स पे कर रहा होता है वो अपने जो सीने को चौड़ा करके चलता होता है, हमारे पास ऐसा नहीं है। आप मैं चाहता हूं कि यही पॉइंट हम ज़रूर हाईलाइट करें, बिकॉज आप जब तक इन छोटे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे आपकी टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी। आप शायद टैक्स तो ज़रूर ज़्यादा कलेक्ट कर लें, बट इज़ दैट थ्रू द राइट चैनल, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज़ अल्टीमेटली डिस्करेजिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स टू बी आउट ऑफ द टैक्स नेट बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स के कुछ वीक्स में उनका नाम डाल दिया जाता है, कुछ वीक्स में निकाल दिया जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई होप कि इसको ये छोटे छोटे इशूज़ हैं जिनको बड़ी आराम से फिक्स करा जा सकता है। सो इसके साथ साथ मैं कमिंग बैक ऑन टू टुडेज़ एक्टिविटी में ये कहूँगा कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी मार्केट में अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। जी मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस पे बेस करके आप मेरे नाज़रीन को, हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो किस तरह से बिल्ड करें। देखिए, पहली तो चीज़ ये कि ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, या आपका सेंटिमेंट होता है, या आपकी आपका एटीट्यूड होता है कि आप किन स्टॉक्स में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि वो डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जाएं,
कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जी बड़े शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर कैपिटल ग्रोथ, सो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन डिविडेंड्स. सो ये एक वन पॉलिसी दैट फिट्स ऑल वुड नॉट बी राइट फॉर मी टू सिट हियर एंड कमेंट ऑन दैट. व्हाट आई वुड से इज़ आप अपना एटीट्यूड देखें, आप ये देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिविडेंड यील्ड है, कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड है, तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं. इमरान, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो स्टॉक बताएं जो सुबह कैप पे कैप लगना शुरू हो जाए. ये बहुत अनफॉर्चुनेट. जी, और मेरे ख्याल से इसी वजह से लोग जब आपके जहन में ये होगा कि मैं ओवरनाइट रिच हो जाऊँ, तो देन पीपल थिंक ऑफ अनफेयर मीन्स. और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप व्हाई डोंट यू सी अपॉर्चुनिटीज़ जिधर डबल डिजिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू फेयर मीन्स. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, आप उनको लिंक करें जो हमारे ग्रोथ से लिंक्ड हैं. आप उनको, आप ये देखें कि आज भी बहुत सारे मल्टीपल्स ऐसे हैं जो बहुत कम हैं. आई वुड नॉट लाइक टू नेम द कंपनीज. सेक्टर कौन सा आपके ख्याल में, किस में आप गाइड करेंगे लोगों को? मैं एटलीस्ट सेक्टर के बारे में तो देखिए, मैं उस पे कमेंट करने से पहले मैं ये कहूँगा, एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए तो यू विल नीड टू साइन अप एज अ क्लाइंट, अदरवाइज आई वुड बी आउट ऑफ बिजनेस. बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर सेक्टर में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. मैं एग्जांपल आपको दूंगा सीमेंट्स की, मैं आपको एग्जांपल दूंगा फर्टिलाइजर्स की. अगर हम एक दो सेक्टर्स को उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र को उठाते हैं, तो फर्टिलाइज़र में हमने अभी ये देखा कि 1800 रुपए से उसकी रिटेल प्राइस को कम करके गवर्नमेंट ने 1400 करा है, और उसमें गवर्नमेंट ये इंकरेज करी है कि 350 रुपए का जो हिट है वो दैट वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एंड ऑल्सो सब्सिडी की फॉर्म में दिया जाएगा, और बाकी का जो 50 रुपीज़ का मार्जिन है वो मैन्युफैक्चरर्स को उठाना पड़ेगा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि उस सेक्टर में किधर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किधर यील्ड्स अच्छी अवेलेबल हैं. मैं फिर आपको सीमेंट की एग्जाम्पल्स देता हूँ. सीमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बट ओवरऑल आप सुनते हैं कि ग्लोबल एक्सपेंशन पे जा रही हैं, अपने प्लांट्स ओवरसीज भी लगा रही हैं या यहाँ पे भी प्लांट्स को एक्सपेंड कर रही हैं. तो क्या आगे उसके नंबर्स को देखें, क्या हमें उसमें ग्रोथ नज़र आती है, क्या हमें नज़र आता है कि वो उसकी यूजेज यहाँ पर बढ़ेगी? सही कहा आपने इमरान, बैंकिंग सेक्टर किसी भी मार्केट की बुनियाद होता है. अगर बैंक्स रिस्क पे हों तो मार्केट शेक कर रही होती है. आप क्या समझते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर, इसका मुस्तकबिल? आई थिंक बिकॉज हमारी नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ आर प्रटी मच द सेम. इन फैक्ट द नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ जो 10 साल पहले थी वो 600 थी, आज 560 हैं. तो अनलिस्टेड कंपनीज हैव गॉन डाउन, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर इन्वेस्टर्स. ख़ास तौर पर जो बड़े बैंक्स हैं उनके रेवेन्यूज़ बड़े कंसिस्टेंट हैं, वो अपनी उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है बड़ी कंसिस्टेंट है. बट बिकॉज आजकल जो इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, ये सारे जितने भी बैंक्स हैं इनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दे नीड टू सी कि हम अग्रेसिवली बाकी प्रोडक्ट्स में कैसे जा सकते हैं, और ये बड़े बैंक्स देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर लेंडिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल क्या मॉर्गेज की प्रोडक्ट्स लाई जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल क्या क्रेडिट कार्ड की डील्स लाई जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल क्या प्राइवेट सेक्टर को लोन्स किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं. फार्मास्यूटिकल रहता है खबरों में, फार्मास्यूटिकल को कैसे देखते हैं आप? व्हाट आई वुड से इज़ कि आपकी जितनी भी बड़ी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें सब में अट्रैक्टिव बाइज़ अवेलेबल हैं, एंड बिकॉज आपकी पॉपुलेशन, आपने फार्मास्यूटिकल की बात की, बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो प्राइस होती है वो गवर्नमेंट कैप करती है, इन द सेंस कि वो कितनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं. बट ग्रोथ वाइज आई थिंक देर डूइंग वेल बिकॉज उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ कंपनीज़ मॉडर्नाइजेशन ले आती हैं अपने प्रोसेस में और अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर लेती हैं, तो उनके मार्जिन भी बड़े हेल्दी, बड़े स्टैगनेंट मार्जिन हैं. मैम, आपकी हर तरफ लीड है ब्लू चिप्स के लिए, बड़ी कंपनीज़ के लिए. छोटी कंपनीज़ में हमारे जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं थोड़े से सरमाए के साथ में, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. तो क्या समझते हैं छोटी कंपनीज़ का ग्रोथ हमारे पास, उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? अगेन आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट हमें उसके लिए, उन प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छा देखने के लिए हमें उसको कंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए होगी जो उसको सपोर्ट करे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यूके में फॉर एग्जांपल एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एक है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड, इनफैक्ट मीडियम साइज कंपनीज के लिए एक सेपरेट इंडेक्स है. तो क्यों नहीं पाकिस्तान में हम ऐसी कोई चीज़ बना देते हैं जिधर छोटी या मीडियम साइज कंपनीज आके एक रिलैक्स्ड रिजीम के थ्रू लिस्टिंग करवा सकें, जिसमें उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो और हमारे इन्वेस्टर्स को भी उधर एक्सपोजर मिले, कि वो बजाय इसके कि वो बहुत बड़ी कंपनीज में जाएं, वो छोटी कंपनीज में स्टेक्स
कम पैसों से ले सकें और एक रिलैक्स्ड तरीके से ले सकें, एक सिंपल फॉर्म फिल करके या सिंपल उसके तरीके से ले सकें. सो द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, बट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिंग दोज स्मॉल स्टार्टअप्स? दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर अस टू आस्क. इमरान, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का. नाज़रीन, आज की मार्केट नेगेटिव ट्रेंड देखा. जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम मार्केट्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही होती हैं, और उसी का इफेक्ट हमारे पास आज मार्केट में है. बाय एंड लार्ज कोई भी स्ट्रेंथ हमारी मार्केट की, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स की, यूरोप का रिफ्लेक्शन हमारी मार्केट पे देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट ने एक दफ़ा रीज़नेबल नंबर लूज़ किए. लेकिन खुशाइन बात यह है कि आखिरी घंटे में अच्छी खासी एक पॉजिटिव एक्टिविटी दिखी गई, जिसने बहुत सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव एक्टिविटी जारी रहे और हमारी मार्केट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे. इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़.